अमरोहा में शासन के निर्देश पर माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अमरोहा पुलिस प्रशासन ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी, मांस का अवैध कारोबार करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 12,84,500 रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। बता दें, जनपद अमरोहा के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देश पर जनपद में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। वहीं थाना मंडी धनोड़ा पुलिस पर राजस्व विभाग की टीम ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी का अवैध कारोबार करने वाले अभियुक्त राशिद पुत्र बाबू निवासी ग्राम कुआखेड़ा थाना बछतायु जनपद अमरोहा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 12,84,500 रुपए की अवैध संपत्ति कर ली है। बताए साथ ही अभियुक्त के विरुद्ध थाना बछतायु पर गोवर्ध पशु क्रूरता गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज है, जिसके विरुद्ध थाना बछतायु पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्त की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री आदित्य लांगे महोदय के नेतृत्व में निर्देशन में जनपद अमरोहा में शातिर अपराधियों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज दिनांक 23/2023 को थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा शातिर ग्रोबंद गौ तस्कर अपराधी राशिद पुत्र बाबू निवासी गाँव कुआखेड़ा, जिसके द्वारा अवैध रूप से अपना एक संदिग्ध ग्रोह तैयार कर मीट व गौवंशीय पशुओं की तस्करी करते हुए अवैध रूप से धन संपत्ति अर्जित की जा रही थी, जिसके विरुद्ध पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा चुकी है। आज उसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत इसकी अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति, जिसमें गांव कुआखेड़ा में स्थित एक मकान है जिसकी कीमत लगभग 12,84,000 रुपये आंकी गई है, जिसको इंस्पेक्टर मंडी धनौरा व तहसीलदार धनौरा द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में इसके मकान को कुर्क किया गया है। शातिर अपराधी व ग्रोबंद अपराधी विरुद्ध जनपद अमरोहा में इस प्रकार की कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी। धन्यवाद।